इसके बाद क्या करेंगे भैया? ये बीज को अलग कर देंगे दीदी, और फिर से यहाँ से तोल के 2 किलो बीज निकाल के, और फिर से जितना चीज एमएम मिला है उतनी चीज फिर से मिला के रखते जाएंगे। तो जब पूरे 20 किलो बीज सब मिला लेंगे तब ये काम पूरा हो जाएगा। इकट्ठा पूरा बीज नहीं मिला सकते भैया? इसमें का है दीदी, इकट्ठा मिलाने से अच्छे से व्यवस्थित और कल्चर नहीं मिल पाए। एक हल्ले से 2-2 किलो करके मिला था अच्छा मिलता है। भैया आपका बीज कंप्लीट हो गया? हाँ दीदी कंप्लीट हो गया। ठीक है भैया, तो आप इसको क्या करेंगे आप? अब ये बीज लगा 6 घंटा की लाइक छाया में रखूं। छाया में क्यों रखेंगे भैया? ये जो बीज में चिपके हैं पूरे। भैया आप ये बीज अब खेत में ले जाके बुआई करेंगे? नहीं दीदी ये मतलब छाया में रखूं अभी। छाया में क्यों रखेंगे भैया? एमा जो वह है डेवेस्टीन और कल्चर तेम अच्छे से चिपक जाए, वो बीज में अच्छी थोड़ी भिग जाए, खरला एक हम छाया में रखते हैं। छाया में इसको कितना देर रखेंगे भैया आप? ये ला छाया में 6 घंटा तक रखूं दीदी मैं। भैया अभी जो आप बीज उपचार किए हैं उसमें आपको क्या फायदा है? वो बीज उपचार एक हल ऐसे करे हैं दीदी, जो कोई भी उठा या ओगरा बीमारी आ जाते है ना, तो डीमक आ जाते हो खलाई की बेबिस्टीन है। हाँ। और ओगरा उठा बीमारी आते हो खलाई कल्चर एक हल ऐसे है, और उपज अच्छी आते है, मतलब उत्पादन अच्छी उत्पादन। हाँ ओके, वजह से आप लोग बीज उपचार करते हैं। पहले भी कभी आप उपचार किए हैं भैया? ये 2 साल से बीज उपचार कर रहे हैं, जब से प्रदान आया है हमारे यहाँ तब से। ठीक, अच्छी बात है भैया। भैया जो अभी आप बीज उपचार किए हैं उसको आप अपने तक ही रखेंगे या फिर दूसरे किसानों तक भी पहुँचाएंगे, उनको भी बताएंगे कुछ? बताओ ना दीदी सब बीज उपचार के बारे में और किसानों तक। भैया आपने मुझे इतना समय दिया और ये सब बीज उपचार के बारे में इतना अच्छा से मुझे बताया, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद भैया। भैया राम राम। राम राम।